और बारिश बरसाने वाले सिस्टम की बात हो रही है, सो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, स्पेकुलेशन में ही बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ हैं अंजुम नज़ीर मेट्रोलॉजिस्ट, उनसे ज़रा पूछ लेते हैं कि वाकई कोई सीन बन रहा है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर हम यही कह रहे थे, अगर आप कराची में हैं और इस वक्त बाहर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि जितनी बारिशें होनी थी वो हो गई हैं, अब आगे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हमें यही बताया जा रहा है कि एक और सिस्टम भी बन रहा है बारिशों का। जी देखिए, बारिशों का सिस्टम तो बन चुका हुआ है, ये इंडिया से जो है वो डिप्रेशन की शुरुआत में इंडिया पे था और ये अब हमारे ईस्टर्न बॉर्डर्स के क्लोज हो गया है। इस वक्त भी जो है वो हमारे साउदर्न थरपारकर में कुछ इलाकों में लाइट टू मॉडरेट बारिश हो रही है। तहम इसके साथ साथ एक मगरबी हवाओं का सिलसिला भी जो है वो अपर कंट्री को मुतासर कर रहा है और उसके तहत आज जो है साउदर्न हमारा जो पंजाब है उसमें अच्छी बारिश की इम्कानात मौजूद हैं। अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध के अक्सर अजला में, ख़ास तौर पे जो जनूबी अजला हैं जिसमें थरपारकर, मीरपुर खास, उमरकोट, बदीन और इससे जो मुधिका इवन हैदराबाद तक जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पर जो है वो मॉडरेट से कहीं कहीं हैवी स्पेल की भी तवक्को है आज और कल। अगर आप कराची की बात करते हैं तो कराची में कल इम्कानात बनेंगे बारिश के, ताहम ज़्यादा तवक्को इस बात की है कि कराची के जो आउटस्कर्ट्स हैं उनमें बारिश के ज़्यादा चांसेस होंगे। ऑलराइट, कराची के आउटस्कर्ट्स में ज़्यादा बारिश के चांसेस होंगे। वैसे हम कितनी बारिश की बात कर रहे हैं फॉर इंस्टेंस यहाँ पर? देखें, कराची के लिए अगर आप बात करें तो कराची में तो लाइट रेन ही एक्सपेक्टेड होगी, ताहम कहीं कहीं मॉडरेट भी हो सकती है। ज़्यादा बारिश कराची के लिए नहीं है, ताहम अभी मॉनसून जारी है और इस बात की तवक्को है कि एटलीस्ट इसके बाद एक सिलसिला और सिंध को मुतासर कर सकता है। अच्छा, अगर हम सिर्फ कराची की बात करें और आप कह रहे हैं कि बारिश जो है वो आउटस्कर्ट्स में हो सकती है बट नॉट परहैप्स इनसाइड द सिटी, लेकिन कोई क्लाउडी, कोई ओवरकास्ट वेदर ये हमें देखने को मिलेगा कल? क्योंकि वो भी हमारे लिए बड़ी चीज़ हो जाती है, अच्छी बात हो जाती है। जी देखें, आज भी पार्टली क्लाउडी है, विंड्स थोड़ी सी अभी लाइट हैं, ऑल दो के समुद्री हवाएं ही हैं, ताहम अभी भी जो असना का रेमिटेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं आपके साउथ वेस्ट अरेबियन सी में, जिसकी वजह से प्रॉपर कराची में जो है वो समुद्री हवाएं अभी बहाल नहीं हैं। ताहम हल्की हवाएं चल रही हैं तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से। आज भी हल्का हल्का क्लाउडी रहेगा, हवा कम होगी तो थोड़ा सा ह्यूमिड होने की वजह से हमें ज़रा लाइक ज़्यादा महसूस होगा। ताहम अगर हम कल की बात करते हैं तो दिन का आगाज़ जो है वो पार्टली क्लाउडी से होगा, ताहम इस बात की तवक्को है कि दोपहर तक जो है वो कराची में कुछ अच्छे हमें क्लाउड्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा अंजुम साहब, ये मॉनसून आपने कहा इसके बाद एक और सिस्टम होगा, सो हैज द मॉनसून प्रोलॉन्ग्ड या फिर इतना ही हर साल होता है और हम भूल जाते हैं और ये नॉर्मल है? क्योंकि सितम्बर में तो बहुत गर्मी पड़ती है मैदानी इलाकों में भी, इस तरफ भी। देखिए जी, पहले कभी एक बात कही जाती थी कि पाकिस्तान में मॉनसून जो है वो 15 जुलाई से 15 सितंबर तक रहता है। ताहम जैसे जैसे मौसमियाती पैटर्न्स हमारे चेंज होते जा रहे हैं तो अब हम इस देखते हैं कि मॉनसून जो है सितंबर तक प्रोलॉन्ग करता है। अगर आपको याद हो तो 2022 में मॉनसून जो है वो 30 सितंबर तक प्रोलॉन्ग हुआ था ऑल ऑफ द कंट्री, स्पेशली कराची में भी 30 सितंबर तक बारिश हुई थी। तो ये आप ना कहें कि सितंबर अब आ गया है तो शायद मॉनसून खत्म हो जाएगा। मॉनसून की कोई फिक्स डेट्स नहीं होती हैं, ये प्रोलॉन्ग कर जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ लालीना कंडीशंस जो है वो डेवलप हो गई हुई हैं तो उसकी वजह से जो है हमारी समर में जो रेनफॉल्स होती हैं वो एग्जीट करती हैं, ताहम उसका जो है आफ्टर जो इम्पैक्ट हमारी विंटर रेनफॉल्स पे होता है वो इन्वर्स होता है कि हमारी जो विंटर की रेनफॉल्स हैं वो सप्रेस हो जाती हैं। अब इस बात की भी तवक्को है कि ये सेप्टेम्बर के बाद जो है एक लॉन्ग ड्राई स्पेल एक्सपेक्ट होगा पाकिस्तान में, तो जिसकी वजह से जो हमारा फॉग और स्मोक का सीजन है वो अर्ली जो है वो ऑनसेट हो जाएगा और प्रोलॉन्ग यू नो फिर ये सारी चीज़ें फसलों को बहुत मुतासर करती हैं। अभी कपास की फसल मुतासर हो रही है, फिर हम अपने उसी टाइम के हिसाब से फसलें लगा रहे हैं, फिर ड्राई स्पेल आएगा तो हमारी कीनू की जो काश्त है वो मुतासर होती है बिकॉज उसको भी विंटर रेन की ज़रूरत होती है। सो
यू नो इट ऑल बिकम्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग एट द सेम टाइम। आई एम श्योर वो रिसर्च तो चल ही रही होती है कि किस टाइम क्या करें। 2022 का आपने हवाला दिया था, 2022 तो एक बड़ा ही एक खतरनाक किस्म का साल था कराची के हवाले से, जब बिल्कुल ही कराची डूब गया था बारिशों में। लेकिन अब जरा पंजाब की तरफ आते हैं, क्योंकि लाहौर में कल रात कोई शदीद किस्म की बारिश हुई है, इस्लामाबाद में सुबह से बारिश हो रही है, ये भी आपको नॉर्मल ही पंजाब के हवाले से लग रहा है, और कब तक ये बारिशें वहाँ चलेंगी? देखिए ये नॉर्मल फिनोमेना ही है, जैसे बताया था कि मॉनसून प्रोलॉन्ग करेगा। और फिर मैं इस बात का अयादा करूंगा कि हमने पहले भी बता दिया था कि जो सीजनल फोरकास्ट में कि जो हमारा सेकंड फेज़ होगा वो ज़्यादा विगरस होगा एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट फेज़। फर्स्ट फेज़ में जो जुलाई और स्टार्ट ऑफ अगस्त तक हमने कुछ जेंटल रेन्स, कुछ रेनी स्पेल्स देखे, लेकिन सेकेंड स्पेल जो है आप देख रहे हैं कि तकरीबन पूरे मुल्क में ही जो है वो अच्छी बारिशें दे रहा है। जैसे आपने लाहौर की बात की, इस तरह जो है वो नॉर्थ ईस्ट पंजाब की बात करें जहाँ सियालकोट है, इससे भी ज्यादा बारिश हुई है। उसके साथ साथ जो डीजी खान है या अपर आपका नॉर्दर्न बलूचिस्तान है, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो काफी वर्स्ट हो गई है। और यही चीज जो है वो आज भी रिपीट होने जा रही है कि नॉर्दर्न बलूचिस्तान, केपी, सदरन पंजाब, ईस्टर्न पंजाब और इस्लामाबाद समेत जो अपर केपी और कश्मीर के एरियाज हैं, यहां पर भी आज और कल जो है वो बारिश के स्पेल वक्फे वक्फे से रहेंगे। ऑलराइट, सो बहुत उधर भी बारिश हो सकती है। एक बात मैंने पूछनी है जरूर, कि सितंबर आता है ना अंजुम साहब, तो लोग ऑलरेडी सर्दी की आस लगाए बैठ जाते हैं, और हमने देखा कि गर्मा मौसम में गर्मा भी ज़रा देर से आया है, और यूजुअली सर्दियां भी आगे ज़रा डिले होती जाती हैं, तो अक्टूबर में हम क्या समझें, गर्मी पड़ेगी या अक्टूबर में मौसम मुतदिल हो जाएगा? देखें कराची में जो गर्मी होती है उसके दो स्पेल्स होते हैं, एक प्री मॉनसून एक पोस्ट मॉनसून। प्री मॉनसून की गर्मी भी हमने देखी, हमें जुलाई में भी अच्छी गर्मी देखने को मिली कराची में, शदीद गर्मी रही। तहम अब जब ये सितंबर का एंड हो जाएगा या जब अक्टूबर आएगा, अक्टूबर कराची में मोस्टली गर्म होता है, इसको हम सेकेंड समर फेज कहते हैं। और कराची में तो जो सर्दी आती है वो तकरीबन आप कह लें कि दिसंबर मिड हो जाता है तो कराची में सर्दी आती है। All right, so अच्छा एक फाइनली, क्योंकि अभी रावलपिंडी में हमारा सेकंड टेस्ट का बिल्कुल ही एंडिंग ही चल रही है, और हम थोड़ी सी दुआ कर रहे हैं कि वहाँ बारिश हो जाए, थोड़ी सी नहीं ज्यादा दुआ कर रहे हैं। तो आप हमें बता दें, बचने के लिए आप हमें बता दें कि रावलपिंडी में बारिश होगी, हो रही है? जी बिल्कुल, आज रावलपिंडी में बारिश होगी, और जैसे आपने बताया कि कुछ इलाकों में तो हो भी रही है, और ये तकरीबन रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज भी बारिश के इम्कान मौजूद हैं। तेज बारिश है आज, मतलब जी, तेज बारिश के इम्कान। अच्छा, आप पूछ भी लो मैच के वाले से। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया, पूछ हम आपसे इसलिए रहते हैं कि हम चाहते हैं कि मैच जो है वो ड्रॉ हो जाए। अंजुम नजीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। जब हमने If we could just pull all the strings and get things done, तो हम अपने मुताबिक चाहें कि जी आज बारिश चाहिए और कल नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैच के दौरान हो ही जाए तो ठीक होगा हमारे लिए। Alright, so that's about it about the weather. अभी हम चलेंगे सांगर, और वहाँ पे हमारे साथ हैं अब्दुल रजाक मेमन। जी बिल्कुल, हालिया पड़ने वाली बारिशों से जिला सांगर की जो सूरत हाल है वो इंतहाई खराब हो गई है। आप देख सकते हैं कि ये जिला सांगर के इलाका है चक, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। अगर इसी तरह हम बात करें टंडवादम के 50 से ज़्यादा देहातों की, तो वो भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। इन इलाकों में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, लोग जो हैं वो अपने घरों से अपनी मदद आप निकलकर सड़कों पर आकर बैठ गए हैं। ज़िला सांगड़ के शहर खिपरो, सिंझोरो, शाहपुर चाकर के अतराफ के जो देही इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। बारिश का पानी जो है अभी तक मौजूद है यहाँ पर। गुज़श्ता दो रोज़ से तो बारिश थम गई है, मगर जो सिंध हुकूमत और ज़िले इंतज़ामिया है वो इन इलाकों से बारिश का पानी जो है वो अब तक निकास नहीं कर पाई है। जो टंडवादम का इलाका है वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, जिसकी वजह जो है बारिश के पानी के साथ साथ जो रोड़ी केनाल का पानी था शगाव पड़ा था, उसके बाद इन इलाकों में पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। इस हवाले से हमें यहाँ पर बताया गया है कि 6 से 8 माह लग सकते हैं इस पानी को निकास करने के लिए। ताम इन मुतासरीन से और इन इलाके वालों से हमने जब गुफ्तगू की तो इनका ये कहना है कि इस वक्त ये जो है अजियतनाक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। रात के औकात पर बच्चरों की बहतात होती है, दिन के टाइम पर शदीद गर्मी है, जिसकी वजह से इनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और वबाई अमराज जो है वो फैल रहे हैं। जी, वबाई अमराज फैलने का ये तो होते हैं। जिधर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट खड़े थे और पीछे वो जो मतलब एक झोंपड़ियों वाला ही सीन लग रहा था, आप सोच ही ले
कि वहाँ कोई इस तरह कोई मर्ज आ जाए तो वो कहाँ कोई रोक सकता है, वो तो फिर सारों को ही लगेगा।